भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट विश्व कप में होने वाले मैच के बहिष्कार की मांग के बीच मैनचेस्टर में 16 जून को होने वाले इस मैच का जलवा प्रशंसकों के बीच बरकरार है। जी हम आपको बता दें कि ओल्ड ट्रैफोर्ड में 25,000 दर्शकों की क्षमता के बावजूद टिकटों के लिए 4,00,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि हरभजन सिंह जैसे भारतीय क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के खिलाफ राउंड रॉबिन मुकाबले के बहिष्कार की मांग की है, जबकि चेतन चौहान जैसे अनुभवी चाहते हैं कि भारत पूरे टूर्नामेंट के बहिष्कार की धमकी देकर ICC पर दबाव बनाए। वहीं ICC विश्व कप के टूर्नामेंट निदेशक स्टीव ने लंदन में प्रचार कार्यक्रम के दौरान बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप चरण में होने वाले मैच के टिकटों की मांग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच और लॉर्ड्स में होने वाले फाइनल से भी अधिक है। वहीं आपको बता दें कि टिकटों के आवेदकों की संख्या 4,00,000 से अधिक है, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। वहीं स्टेडियम में सिर्फ 25,000 दर्शक आ सकते हैं, इसलिए काफ़ी लोग निराश हो जाएंगे। वहीं बताया गया है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुकाबले के लिए 23,000 से 24,000 लोगों ने आवेदन किया है, जबकि फाइनल के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 26,000 से 27,000 के बीच है। तो अब देखना ये होगा कि क्रिकेट टीम कैसे मैनेज करती है पूरा। तो वहीं और भी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।